नानी मैं घूमन जा रहा। किथे? ऋषिकेश। क्यों ऐवें? रोज तेरा घूम लेना काम। ठीक है, मैं अब आपसे मंडे को मिलूंगा। ओके नानी। पीछे से चहल पहल कम होगी अब, मेरे बिना रौनक रहती है घर में? ना, बिल्कुल नहीं। ना। ठीक है, मंडे को मिलते हैं। तेरे साथ रौनक है सारी। ओके जी। तो भाई टाइम हो रहा है 3:10 और ये मेरे घर के नीचे आ गया, उसी की गाड़ी पे कैमरा रखा हुआ। एक बंदा मिसिंग है भाई, मनीष को उठाने जाते हैं, फिर मिलते हैं अंदर बैठ के। अब ये तो साले आशिक के बंदियों से लगे हुए थे, बेशरम आदमी। तो भाई गाड़ी में बैठ चुके हैं, लैला भाई साथ में। ऐसा हो सकता है ट्रिप लैला के बिना हो? अबे क्या कुत्तों की तरह आफरा तेरी बहन की। दिल्ली से बाहर निकल रहे थे, पापा जाग जाएंगे यार। साथ में बैबूफ और अपना अमन ड्राइवर। ओ भाई मनीष भी आ गया, पहली बार टक्करी थी लड़के ने। हर ट्रिप का पहला स्पोर्ट 24/7। तो भाई एक घंटे बाद, अबे यहाँ तो साले सुबह लग रही है, सुबह नहीं हुई अभी इतनी जितनी लग रही है। कैमरा महंगा है क्यों? तो भाई लैला को हम पीछे छोड़ा है, पानी लेने के लिए हम थोड़ी सी आगे आके खड़े हो गए, उसके लिए वाटर ब्रेक करी थी। पूरा लैला देखो, दिख रहा है? तो भाई फाइनली सुबह हो गई है, 5:12 बज के। तो हम क्या करें, सुबह तो डेली होती है। ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़े खुशियां थोड़े से पल हंसते हैं। स्माइल अंकल। गाइस 9 बज रहे हैं। तो भाई 9 बज रहे हैं और बहुत तेज भूख लग रही है सबको। फ्रीडम कैफे पता नहीं कितनी दूर है जहाँ हमने खाना है, इसलिए सबसे पहले रोड से कुछ खा भी रहे हैं। तो हल्का फुल्का जो भी है ये दिखाते हैं। कैसे डालना है पुदीना भाई? पटेल नगर में तो 10 में आ जाता है इतना, 20 रुपए महंगा यार। पापा की जूस की दुकान है भाई, तो डिस्काउंट करो, थोड़ा और डाल दो भाई। 2,000 रुपए की पॉकेट बना लिया, 10,000 रुपए दे दिए लैला को। गायब हो गया तो कोई नहीं यार, पैसा देने में बढ़ के है क्या बोल रही है? ये बता, तूने बात जीत ली वो 10,000 नहीं, अब लाख रुपए खर्च करूंगा मैं आज। चलो सो गाइस, देखो तुम्हारा भोला सो गया है। देख रहा हूँ मुंह खोल के कैसे सोता है, नाक के बाल भी नहीं काट के आया साला। भाई यहाँ तो दिल्ली से भी ज्यादा गर्मी है, दूसरी जगह लेके चलते यार कहीं। मसूरी चले गए, मसूरी चले गए भाई। यहाँ पे राफ्टिंग कर रहे हैं, फिर दिल्ली से भी ज्यादा गर्मी है। ये तो सो गए थे साले, पूरी गाड़ी चला चला के थक गया मैं ट्रैफिक में। तो भाई ये जो है शिवालिक, यहाँ पे हमने अपना नाम लिखवा दिया, ये 1 घंटा कह रहा है। यहाँ पे हमारा 600 रुपए पर हेड हुआ है 12 किलोमीटर का। वेट करते आधा घंटा लग जाएगा। 1 घंटे वेट नहीं करूंगा मैं मसूरी। तो भाई वेट करना पड़ता है, 1 घंटे बाद जाएंगे अब वो करने, राफ्टिंग करने। मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरी फट रियल के लिए है। मेरा असली वाला है। रिफ्यूजी कैंप है ये? अरे एक घंटा यार, इन सब बातचीत कर लेना। अरे यार भाई क्या बातचीत है इसकी, ये भी है भाई। वहाँ पे हमारी 600 रुपये में हो रही है पर 1 घंटा वेटिंग है। साइड वाला लिखते हैं तो भाई मैं अपना कैमरा और फोन रखाया हूँ, मनीष के फोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अब वहाँ जाके आपसे मिलता हूँ। ओके, दिस इज 12 किलोमीटर, डोंट गेट स्केयर्ड, आई विल बी देयर। से बात कर रहा है? यस आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। हेलो बोल दे यूट्यूब पे, पलटाइयो मत, ठीक है बाबू? भाई झूला लगा दिया ऊपर, चलो भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो भाई जिन्ना मेरी तोड़ दिया सील। इसको पैसे ट्रांसफर करी जा रहा है अबे बहन, सारे किराया विराया तो नहीं घबरा रहा घर का 10,000 से?
भाई अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हम, अब जाएंगे यहाँ से, दिखाते हैं तुम्हें सारा सीन सपाटा। बाकी मूड खराब हो गया क्योंकि जो हमारे साथ राफ्टिंग करनी है एकदम लोग आ गए हैं और वहाँ पे अच्छी अच्छी लड़की आई हुई है। भाई ये वाला हमारा झूला है, इस पे तैरेंगे। आज तू क्या ऐसी मेरे अरमानों पे मूद गई थी वो आंदे आंदे। सही है, गुड क्वालिटी, सॉलिड। सो भाइयों ऑल रेडी ऑल सेट एंड रोल। जय श्री राम। चलो हाँ भाई क्या रहा है टाइट उतरी साढ़ा दिख नहीं रहे तो अट्टे अट्टे बंदे खड़े हैं। चलो भाई तो हूँ क्या करता रहता है बाकी फट रही है। How it goes? आपके लिए करता हूँ ये सब, वरना भाई भगवान कसम आज तक मैंने राफ्टिंग नहीं करी थी, यूट्यूब स्टार्ट होने के बाद कर रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, वीडियो लाइक करो। तो भाई गाड़ी वहाँ खड़ी हो जाती है, फिर थोड़ी देर आपको चल के आना पड़ता है यहाँ से। चलो वो तेरी भाई नीचे झुकना पड़ा है, ये बैलून आ गया था, एक और आ गया। ओहो ओ डैम ओ भाई ये तो मेरे को ट्रैक की याद आ गई जो भी किया था मैं। तो भाई यहाँ पे आ चुके हैं, देखो एक बार दिखाइए होगी वोरी वोरी, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। एक बार वहाँ पे चलते हैं, लैला वही बैठा हुआ है और वहाँ पे जाके माहौल देखते हैं क्या है। बाकी नॉर्मल लग रहा, सब कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। चलो आओ देखो कर रहे हैं सबसे आगे बैठी, कैसा लग रहा है? आगे नहीं बैठा भाई। बाकी सारी क्लिप तुम्हें गोप्रो की दिखेंगी, तो अब मैं जरा जा रहा हूँ। तो गाइस सारे के सारे लॉन्ली बॉलिंग एंडम गंगा मैया की बहुत बढ़िया, एक और बार बोल के गंगा मैया की बहुत बढ़िया। जो जोश यहाँ दिखा रहे हैं वही जोश रैपिड में भी दिखाना है, पहले चलाते समय। कैमरा उठा लिया दोबारा, कपड़े नहीं बदल रहे क्योंकि यही सूख गए और अभी गंदे नहीं करने कपड़े। मसूरी में स्मार्ट बन गया, मॉल रोड पे बंदी बसाएंगे यहाँ से जाके मसूरी में, अभी फ्रीडम कैफे होके आते हैं, फिर ऋषिकेश पूरे एक्सप्लोर हो जाएगा, मसूरी निकल जाएंगे। हाइल कर दे भाई, देखा मेरे से थोड़ी ऐसी बातें कर रही है कि ऐसे लगे कैमरे में।
यार वीडियो फिर तू बनाता रहता बिना बताए। I'm sorry bro. कैसे हो गाइस? ऋषिकेश आए हैं, बहुत इंजॉय करा। राम झूला लक्ष्मण झूला तो बंद है। वो भूकंप आ गया तेरी भाई। इसको देखो भाई, हीरो को भाई इधर देखियो। इनकी बात कर रहे तो हाय बोल दो। ओ पिंग बटूरे भाई पहाड़ों में भी यही हाल होता है। पहाड़ों में तो मेरे को लगा यार पहाड़ थोड़ी है, ये तो सिंपल है। ऋषिकेश में भी यही हाल है, जिससे पूछो ये रहा करके 20-25 मिनट चल चुके हम लक्ष्मण झूला के लिए, फ्रीडम कैफे जाने के लिए। अरे मुझको पता है, मैं बोल रहा हूँ आगे यार। चुप कर तेरी साढ़े, तू मत बोलियो बिल्कुल दोबारा। मुझको पता है साढ़े को नहीं फेंक दूंगा, तैर तो वो पटेल नगर मिल जाएगा नाड़ी में। नाड़ी पे भाई देख, पैसे की दिक्कत नहीं है, तू पैसे रख, हमें लक्ष्मण झूला छोड़ दे। बहुत लेट हो रहा है यार, ठीक है लक्ष्मण झूला छोड़ दे यार। बाय। लिफ्ट मिल गई भैया से। तो भाई ये बंदे भी छोड़ के निकल गए हैं, कह रहे हमें रूम देखना है, हम उस साइड जा रहे हैं। मैंने कहा चलो मेरे को यहीं उतार दो, अब मैं हल्का हल्का पैदल स्लो स्लो चलता हूँ। वो सारे पीछे आ रहे हैं। अभी इससे पहले जो मैंने ये हरकत करी है, इससे पहले सेम लैला ने हरकत करी है, साढ़ा आधा किलोमीटर पता नहीं कहाँ पे चला गया अंकल के साथ। फिर मेरे को स्कूटी दिखी, मैंने कहा भाई मैं भी चला जाता हूँ, थक तो मैं भी रहूँ। भाई मिल गया फ्रीडम कैफे। टेस्ट रिव्यू। बढ़िया है, सेम दिल्ली वाला टेस्ट। खाना अच्छा है फ्रीडम कैफे का। पिज्जा टेस्ट रिव्यू। अच्छा है, बढ़िया पिज्जा भाई, एवन खाना तो एवन है। सो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी हम आगे का आपको दिखाएंगे क्या चलता है। बाकी ये कैफ़े बहुत अच्छा था, आप विज़िट करना अगर आ रहे हो तो। काफ़ी अच्छा कैफे था यार। भाई मेरी तो हालत टाइट हो रखी है, तो फाइनली नीचे जाने के लिए गाड़ी मिल गई है। पहले हमें किसी ने कहा था ऊपर से मिलेगी, हम वहाँ गए, वो कह रहे वहाँ नहीं मिलेगी। फिर हमें आते आते एक गाड़ी खाली दिखी, हमने पूछा, वो कह रहे ठीक है भाई जाएगी। तो वहाँ जाके बात करते अपनी गाड़ी में बैठ के। भाई नशे हो रहे अब तो सर पे, नींद के। तो भाई फाइनली सम हाउ अपनी गाड़ी में वापस आ गए हम, और अब जा रहे हैं मसूरी। जा रहे हैं ना भाई? फिर मसूरी जा रहे हैं। 5 बज रहे हैं, 5 बज रहा है, ये जो 5 बज रहे हैं, और मसूरी के लिए निकल चुके हैं अपनी गाड़ी में बैठ के। मैंने टी शर्ट उतार के सैंडो पहन लिया सबके आगे, वहाँ पे लड़कियाँ शॉक्ड हो गई थी। कोच साहब भी शॉक्ड हो गए थे। और है वो बुआ, तू मेरी याद से तू शीशा बंद कर यार, शीशे क्यों खोल रहा है पागल? क्या हो गया लैला, क्या हो गया? तेरे फाट में दम है भाई, हमारी वेट करना, हम इतने तुम्हारे लिए जाके होटल वगैरह देख रहे हैं। बहुत जाम है भाई, बहुत जाम है। तो मैंने डिसीजन लिया, मैं पैदल जाके इनके लिए होटल वगैरह देखता हूँ, क्योंकि लो भाई लो बारिश आ गई। जैसे ही बाहर निकला बारिश आ गई, बहन की टांग मनूस लैला बहन के दीने परी लगी भाई। इतनी भीड़ पहाड़ों में कहीं नहीं देखी मैंने, कभी नहीं देखी। मतलब लगा लो एक घंटे से हमें पास गाड़ी हमारी आगे पीछे नहीं हो रही थी, और मनीष और अमन अभी भी गाड़ी में ही है। ओ भाई फाइनली बल्लू। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, हद पार भीड़। इतनी भीड़ कभी नहीं देखी मैंने पहाड़ों में। तो हद से चल कुछ खाते हैं भाई। ये खाने वालों में भीड़ देखो, बंदा आता है पीस ढूंढने। क्लब देख तू भाई, अब जाम रात को पार्टी करेंगे। तो भाई अभी हम मॉल रोड पे ही है, और मैं एक बार पहले भी मसूरी आ रखा हूँ, तो मेरे को जो पहले मॉल रोड पे गए थे वो अलग थी, मेरे को अजीब लग रही थी। मैंने कहा भाई मेरी वाली मॉल रोड पे चलो जहाँ मैं पहले आया था, क्योंकि यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे आगे हमें होटल नहीं मिला अभी तक, जल्दी से होटल लेते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा है। अब आज भी देख रहे हो आप, फटाफट होटल ले गए, फ्रेश वगैरह हो गए, फिर मॉल रोड पे आतंक मचा देंगे। पिछली बार तो भगवान कसम लड़की आगे से रिस्पॉन्स दे के थक गई, तुम्हारा भाई क्या नहीं था। माँ कसम जो झूठ बोले वो कुत्ते का बच्चा बस भाई, भगवान कसम एटीट्यूड में। और इस बार एटीट्यूड ख़त्म, क्योंकि हमें लड़कियाँ चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, ठीक है। नो मोर हद से स्टैक, वी आर इमोशनली स्टैक बट नॉट फिजिकली। लैला कह रहा आओ आओ मैं होटल लेके चलूँ, बहन चो होटल ही बंद हो गया, और सैंडल्स खुल गया वहाँ पे।
भाई मेन दिक्कत यह है, हमें तैयार होना, हम भिखारी बने हुए हैं देखो, और मॉल रोड पूरी सजी पड़ी है, कोई होटल ही नहीं है, तैयार हुए, बैग वैग हमारा मनोरी पे पड़ा है, पिछड़े हुए, आ जा कुछ करते हैं, आ जाओ भाई, भीड़ बहुत है यहाँ, किसी ने लीक कर दिया, मैं आ रहा हूँ भाई, मैं तो चलो एक बार को फिर पजामे में हूँ, वैभव क्या हाल देखो साला जी वो आया मॉर्निंग वॉक करने मॉल रोड पे। हेलो भाई कहाँ पर है भाई? ये 10वां होटल था और यहाँ पे भी रूम नहीं है, पार्किंग फुल, बहुत हालत टाइट हो गई है। अब क्या जाने गाड़ी का लगाएगा, मूड की ऐसी तैसी हो गई है, गाड़ी नीचे जा रहे, गाड़ी भी वो हो गई, क्या हुआ फुल, क्या वो तो मॉल रोड में घुसा दे लग गई, घुसा दे, बहुत बंदे ने घुसा रखी है भाई, जगह ही नहीं है यहाँ तो बिल्कुल, ओ तेरी, चल 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 चल, देख रहे हो कितनी भीड़ है गाइस, देख रहे हो, अच्छा खासा प्लान था हमारा, ऋषिकेश में राफ्टिंग करके वहीं रुकेंगे एक रात, फिर अगले दिन आके एंजॉय करेंगे और मैंने कहा नहीं भाई मसूरी चलते हैं, ले आए इनको दो घंटे से होटल लेके गया हुआ पड़ा, मैं तो लगा था हो गया इसका काम, दिल्ली गैंग के लग गया आज, बिल्कुल अच्छा, कैसा था? हाँ जी भाई, भाई तो एक बंदा मिल गया था, अपना भाई है ये, गीता कॉलोनी में मिला था पहले, यहाँ पे भी मिल गया, सुनो वाले पास, भाई ने तो रूम ले रखा है बट हमें नहीं मिला, पता नहीं क्या होगा भाई, अपना करते भाई कोई रूम, 2.5 लाख बंदा देख रहा है, देख सबके आगे बेइज्जती हो रही है, पहले करे क्या, मुस्लिम में क्राउड इतना है कि मेरे भाई जाना भी आए शाम को, बहुत बड़े यूट्यूबर है यार, कुछ घर वाले सोच रहे होंगे लोंडा ऐश कर रहा है यहाँ, क्या हाल हो रहा है तुम्हें क्या बता, रूम ही नहीं है, सोए नहीं है, पूरा दिन हो गया 24 घंटे हो गए सोए नहीं, फोन ऑफ हो रखा है, चार्जर है नहीं, रूम है नहीं, जहाँ पे फ्रेश हो जाए नहा ले, अच्छा खासा नीचे ऋषिकेश रुकते, ये बहन छोड़ है ना, बहन क्या लिखने बोला था, मैंने दोनों बोला था, किसने बोला था सच बता दे, मसूरी चले गए, अरे मूड की बहन चोद, दिनों ने कंगलों के साथ आ गया, तू भी तो कंगला हट बहन के, लोड़े कह रहे रूम ही मत लो, गाड़ी में सो जाओ बहन चो, टट्टी करने के लिए कोई जगह नहीं, फोन चाहे फोन होगा फोन उसके लिए कोई जगह नहीं, अबे इधर खा ले पहले, बहन का लौड़ा, लड़की लड़की लड़की, तभी ब्रेकअप हुआ इसका कह रहा, तभी ब्रेकअप हुआ इसका, चल वो मैंने नहीं बोला भाई, अगली बार मैं कभी भी लड़कों के साथ ट्रिप पे जाऊँ मेरे को 10 गालियाँ लिख देना, कोई नहीं वो लोगों को सीधा दिखेगा, मेरे को 10 गालियाँ लिख देना, अगली बार से मैं छड़ों के साथ नहीं जाऊँगा, अपना अच्छे पैसे खर्च करूँगा, लड़कियों के साथ जाऊँगा भाई, मेरे पे कोई पैसों वैसों की कमी नहीं है, मेरे घर वाले भी मेरे को दे देते हैं, मैं खुद भी कमाता हूँ, फिर भी मैं चूतिएगा पटना वो भी, फिर भी मैं चूतिया हूँ जो इधर आ जाता हूँ इनके साथ, बहन चो कह रहे गाड़ी में सो जा, ये कर ले वो कर ले, फोन मेरा 1 घंटे से चुप पड़ा है, किसी कैफे में जा रहा हूँ वो देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हरकतें, टांग इनकी यहाँ नहीं खाना मिलेगा इनको, ये देखो चप्पलों में घूम रहा हूँ, वो दूसरा तो निक्कर में घूम रहा साथ वाला और उसके पास भी कह रहा है रूम रहने दे, रूम नहीं लेते, टट्टी आ रही है पास, सुमा के इनकी नाके सड़ा दी, फिर भी कह रहे हैं रूम रहने दे, गाड़ी में सो जा, मैं फ्रेश तो होन दो भाई रूम में, चल कोई नहीं यार, तो फाइनली इंस्टाग्राम में आग लगी हुई है, अब मैं खाना खा रहा हूँ, इसके बाद मैं जाऊँगा सीधा रूम लेने, चाहे रूम 10,000 का है चाहे 20,000 का, आई डोंट केयर, मैं पे कर दूंगा जो भी है, चल हो गया भाई, अब तो आप भाई रोटी लगा नहीं करते यार, सेकंड सब्सक्राइब है, बोल दो भाई, टाइम देखो भाई 12:48, नो होम लैला, तू तो यहीं आ जाएगा, अरे यार अड़ जा यार, एक मिनट लैला का बैठ आ गया, लैला ये सराहना मत समझ, दाल रोटी इसको उन्होंने दे दिया ढाबे वालों ने, डैडी तुम फोन कर रहे थे, मेरा फोन ऑफ था, और हमें होटल नहीं मिला यहाँ पे, बहुत भीड़ थी, सॉरी मैं आपको कॉल बैक नहीं कर पाया, अब आप सो गए भाई, पकड़ ले यार, नशा है उसमें भी, ओए होए वट्टा ब्यूटीफुल सिटी ब्रो, वट्टा ब्यूटीफुल सिटी ब्रो, चला यार अब होटल, ओ राती तन्नू चख लांगे परखी ना औकाता नु, ओए यार, सो गाइस एज क्या कहते हो उसको, एज यूजुअल नो रूम, लेट्स सी हाउ इट गोस, दिस ट्रिप इज बिकमिंग वेरी इरिटेटिंग, बट don't lose your hope, we will still enjoy ab allu kya ho gaya।
भाई अब थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि हमारे जैसे बंदे और मिल गए हैं जिनके पास नहीं है अभी तक तो मेरे को बहुत लोनली सा फील हो रहा था लेफ्ट आउट मैं तुझसे मिला था हैं भैया हम आए हैं यहाँ पे 8 बजे से 8 बजे से देख रहे हैं तब से कोई होटल नहीं मिला क्या टाइम क्या हो गया अब है वहाँ पे बात करी क्या करे भाई The next morning. तो भाई अब बीटी हो गई है गाड़ी वैन तो स्टार्ट नहीं हो रही है बैठे हुए हैं हम यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं करे रोड पे ऐसे बैठे हुए हैं भोला वैन तो ऊपर सो रहा है समझ नहीं आ रहा क्या करे यार पार्ट वन में जो हमारे लगे हैं जो होटल नहीं मिला रहने को जगह नहीं मिली ना कपड़े बदलने को ना खाने को ना खाने खा पी तो रहते चलो तो वो तुमने देख लिया था वो इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भाई ट्रैफिक जाम रश क्राउड बहुत ज़्यादा आ रहा था मसूरी में और हमें एक दिन ऋषिकेश में रुक के अगले दिन मसूरी जाना चाहिए था बट पता नहीं कौन सा चूतिया बंदा कह रहा भाई अभी चल लो मसूरी तू ही है भाई वो अच्छा तो कोई कभी कभी गलती हो जाती है और फिर हम आए थोड़ी नीचे आके हमने होटल लिया रात को 3:30 बजे होटल मिला हमें और कुत्तों की तरह सोने पड़ गए कैसा होटल मिला क्या मिला यहाँ पे भी नहीं मिल रहे थे होटल तो बट तो ये होम स्टे वगैरह होते हैं कोई वैसा मिल गया काफ़ी पॉश है दिखा देता हूँ तुम्हें लग्जरी अपना होटल रूम टूर दे देता हूँ एक अपना सो गाइस ये हमारा रूम ये एंट्री लेते ही एक डबल बेड काफ़ी हाई क्वालिटी का बनता है इसमें छेद हो रखे देखो और एक पंखा अपना पर यही है रूम टूर भाई बाकी टॉयलेट है उधर वो इंग्लिश है वो अच्छी बात है और अब आज का जो दिन है देखो बीटी हो गई होगी बट ट्रिप पे आए थे एंजॉय लेना चाहिए बस मैंने ये सीख लिया कि अगली बार से सबसे पहले होटल बुक करूँगा फिर कहीं पे जाऊँगा और अगली बार से ट्रिप होगी मेरी कभी भी एक या वीकेंड ट्रिप नहीं करा करूँगा करूँगा तो 4-5 दिन आराम से चिल कर रह जाएंगे क्योंकि ये फिर जल्दबाजी अब देखो पहला दिन खराब हो गया अब मेरे पे 3-4 दिन और होते तो फिर इन्जॉय करता बट कोई नहीं अभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा हो रही है नीचे मिलते हैं चलो भाई एक बीटी हो रहा है गाड़ी की बैटरी भी गई अब पहले बैटरी का वेट करो बहुत अभी घेर रहे हो साड़ो तो भाई कल के दिन इतनी बीटी हो रही थी फिर भी हम हंसी मजाक कर ही जा रहे थे और लैला ने इतना हंसाया साढ़ा 24 घंटे सोया नहीं है 24 के 24 घंटे मुंह को इसके कुत्ते लगे भाई मुझे कल पता चल गया कि तुम जिम में इतना वो करते हो ना फायदा नहीं है भाई स्टैमिना होना चाहिए जब तुम ट्रिप पे जा रहे हो फुल होता नहीं है बंदा पर तू सही बता कौन सबसे ज्यादा सोया सबसे ज्यादा कौन सोया पता वहाँ क्या बता भाई तूने मैंने कितने मजे मारे हैं जब ये सो रहे थे इतने प्यारे प्यारे व्यू देखे लड़कियों से इतना प्यारा बात करी आई डोंट नो भाई कितने मजे कहाँ जा रहे हो तो भाई क्या सीन हो गया मैंने BBCL की लोकेशन डाली थी यूट्यूब पे किसी ने बताया था भाई वहाँ चले जाना कमेंट करके एक ने तो मैंने वहाँ की लोकेशन डाली और वो लोकेशन तो सिटी में ही आ गई थी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था अब मैंने दोबारा लोकेशन डाली अच्छी वाली ढूंढ के साफ सुथरी अब वहाँ जा रहे हैं वहाँ देखते हैं क्या है तो भाई बीच में इतना प्यारा रास्ता है ये देखो पेड़ ही पेड़ ग्रीनरी ग्रीनरी पूरा मजा आ गया देख के तो हम रुक गए यहाँ पे फोटोज वगैरह खींचेंगे बढ़िया आया था गली वाला रास्ता तो था सो गए थे हम हाँ बढ़िया लग रहा है ना काफी अबे यहाँ आ गया यहाँ खड़ी हुई है सन 1976 में मेरे दादा ने सारे पेड़ लगाए थे आज ये सब बड़े हो गए बहन के लोड़े भूल गए ये वाला पेड़ छोटा ही रह गया मैं हट ना वीडियो में आके गंदी कर रहा साढ़े लो भाई यहाँ भी मसूरी वाला हाल होने वाला मेरे को लग रहा मादर तो सब हर जगह ही है हम जाते हैं भाई 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 सीन है भाई कहाँ से आ रहे हैं इतने बंदे किसने बता दिया कि दिल्ली गंगा अच्छा तूने बता दिया था ना ये दिक्कत होती है भाई यार गिनने प्लीज कुछ तो रखा कर यार हमारी पर्सनल लाइफ होती है यार सॉरी भाई आज के बाद बताएंगे नहीं हम कहाँ जा रहे हैं बट मैंने तो ऋषिकेश बोला था फॉलो तो कर ही ना तूने भी स्नैप डाली ना वो इंस्टा पे सॉरी मैं क्या बताऊं तो भाई जो अपना PPCL था नहीं जा रहे बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे वापस मोड़ रहे चलो चल तो भाई अभी ये किधर हम गाड़ी मतलब यू टर्न मार रहे थे एक बंदे से आगे है वो कह रहा ओए ओए हम 2 मिनट चल ठीक है उसके बाद नीचे उतर के गया मैंने कहा क्या हो गया भाई क्या हुआ कर रहा है
बंदा बात यू कर रहा है डोले देख देख के भाई थोड़ा नहीं भाई 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 नहीं बोला था ये बोला था अबे कौन सी कथा कौन बोल रहा था और वो बहन गाड़ी में से कैसे आवाज मार रहा था ओए मैं गया मैंने कहा हां कह रहा नहीं भाई कह रहा भाई मैं कह रहा था ट्रैफिक ऐसे ही लगता है मैंने तो ओए ओए क्या होता है कह रहा नहीं नहीं कुछ नहीं डोले देख के गान हट गई थी ठीक है भाई देख रहे हो कितनी अच्छी जगह है ये बट हमें अच्छी नहीं लग रही क्योंकि यहाँ पे आगे लोकेशन वो भी लच्छी वाला आ गए आप क्या कट गया दोबारा यहाँ पे ना वहाँ जाओ भाई ना अबे चुप तो हो जा कुत्ते क्या अबे ना वहाँ जा भाई ना यहाँ भाई अब क्या ही चल रही है बीटी ट्रिप है ये पूरी इस ट्रिप का नाम रख देंगे बीटी ट्रिप तो ही पन होती है आगे जब जब बैठता गलती होता है तेरी बहन की शुक्र है भाई हमने गाड़ी उधर खड़ी कर दी आ जाओ निकल जाएंगे हट भाई निकल जाएंगे ना वहां से अरे भाई बस ये भीड़ देखियो अबे वहां मिलती है ट्यूब 20-20 रुपए की तो क्या अबे तेरे को शर्म नहीं आती कहीं पे भी नंगा हो जाता है गोलड़े का कच्चा पैरा तो हुआ पत्थर तो भाई ये है लच्छी वाला अपना हाथ में पकड़ ले देख लो और अब आ गया तो नहीं लेते भाई तू मेहनत करके आया जा अबे बैठते आराम से अंदर चलो चलो भाई चल आ जा ओ पहला पर्चा हो गया चलो भैया जो ऊपर की ताकत जो मिली तो भाई और इस ट्रिप का खाली एक ही ब्लॉग आएगा क्योंकि इस ट्रिप में अब आगे मजा नहीं आने वाला मजा तो हमको पहले से आना बंद हो गया तो मैं चाहता नहीं कि आपको बोरिंग वीडियो दिखाऊं तो यही था आज का पूरा ब्लॉग ये ट्रिप तब तक बढ़िया चली जब तक हमने राफ्टिंग करी राफ्टिंग पहले एक्सपीरियंस था उसके बाद दिक्कत ही आ गई यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो मन नहीं कर रहा बनाने का अब मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय हथौड़ा पापी मैं गाली देता काफी पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी